हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का मैथ्स करेंगे। चैप्टर है आपका कंपेयरिंग क्वांटिटीज, यानी राशियों की तुलना। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। देखिए, जो कॉन्सेप्ट है, टॉपिक्स है, वो क्या है यहाँ पे, वो समझ लीजिए कि कुछ राशियां होंगी आपके पास, उनकी तुलना करने के अलग अलग तरीके आप यहाँ पे सीख रहे हैं। जैसे एक तरीका है अनुपात या रेशियो जिसको बोलते हैं, तो उसकी मदद से आप राशियों की तुलना कर सकते हैं। एक है यूनिटरी मेथड जिसकी मदद से राशियों की तुलना कर सकते हैं। एक है तरीका आपके पास परसेंटेज जिसकी हेल्प से राशियों की तुलना कर सकते हैं। तो फिलहाल हम परसेंटेज कर रहे हैं और इसके आधार पे कुछ क्वेश्चन हैं आपके सामने। ये देखिए, ये है सवाल, क्या बोला गया है, संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए यदि इसका 5% 600 है। और ऐसे कर करके आपको 5 भाग दिए हैं, यानी फाइंड द होल क्वांटिटी, पूरी क्वांटिटी आपको बतानी है यदि 5% उसका 600 है। 5% ऑफ इट इज 600। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है बच्चों, आप समझना चीजों को, कि अगर आपके मार्क्स आए हैं 70 मार्क्स आए हैं, 70% मार्क्स आए हैं, ठीक है, और 70% कितना है टोटल का, 70% है बच्चों टोटल का, मान लीजिए 7, ठीक है, 7 मार्क्स 70% है, तो टोटल मार्क्स कितने होंगे, कितने में से कितने का टेस्ट हुआ होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। या फिर 50% मार्क्स आए हैं आपके, और जो वो 50% हैं वो कितने हैं, वो हैं 200, तो टोटल कितने अंक का मार्क्स हुआ, कितने अंकों का पेपर हुआ था, ये आपको बताना है। समझ रहे हो ना चीजें, इस तरह से करना है। तो बच्चों आपको कैसे करेंगे ये समझनी है ये बात। देखिए, अब इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। अब टोटल मार्क्स कितने रहे होंगे, ठीक है, मान लीजिए टोटल मार्क्स एक्स रहे होंगे, टोटल मार्क्स कितने रहे होंगे एक्स, हमें परसेंट कितने मिले 50, तो 50% ऑफ एक्स, यानी एक्स का 50%, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स का 50% किसके बराबर है, यहां पे है 200 के बराबर है, किसके बराबर है, 200 के बराबर है। ये स्टेटमेंट समझ रहे हैं आप? देखिए, हमने क्या मान लिया, जो टोटल अंक हैं एक्स मान लिए कि एक्स अंकों का पेपर हुआ था, और एक्स अंकों का 50% कितना है, 200 के बराबर है, तो एक्स का मान आपको निकालना है। समझ रहे हो, इस तरह से कुछ क्वेश्चन आपका जाएगा। अब यहां से एक्स का मान आप निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, देखिए 50% मतलब 50/100 में लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 200 है, कितना है 200 है, यानी 50/100 क्या हो जाएगा, 1/2, 2 को राइट हैंड साइड भेज दीजिए, अगर राइट हैंड साइड भेजेंगे कितना आ जाएगा, ये 200 × 2, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 400। एक तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है, देखिए 50/100 × x = 200 है, मैंने कैंसिल आउट किया, ये 1/2 आ गया, तो 1/2 x = मैं क्या करूंगा, इस 1/2 को यहां से हटाने की कोशिश करूंगा, तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 200 × 2, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट हैंड साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ खास चेंज नहीं किया हमने। अब यहां इससे ये कट गया, x कितना आ गया 400। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ये चीज आपने सीखी है ना, तो इसको सॉल्व कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। इसी तरह से ये 5 पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये सॉल्व होंगे, तो इनको भी करेंगे हम, इसको आप नोट डाउन कीजिए।
तो बच्चों अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। इनका हल कैसे होगा चलिए देखते हैं। देखिए यहां पे क्या बोला गया है कि भाई फाइंड द होल क्वांटिटी, पता लगानी है ना, तो हम लिख सकते हैं लेट द होल क्वांटिटी बी एक्स, यानी आप यहां पे लिख लीजिए हिंदी में माना संपूर्ण संपूर्ण राशि x है, ठीक है। अब हर पार्ट आप सॉल्व कर पाएंगे x मानने के बाद, क्या कर सकते हैं हम देखिए, फर्स्ट पार्ट पहला भाग देखिए, 5% कितना है 600, मतलब आप बोल सकते हैं कि x का 5% या फिर 5% ऑफ x इज 600, है ना। तो ऑफ क्या होता है, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है। ये मुझे पता है, आपको पता होगा बोर्ड मास, ये हर एक बच्चे को पता होना चाहिए बच्चों, बोर्ड मास का रूल मतलब क्या है कि देखिए यहां से आया है ये ऑफ बी फोर ब्रैकेट्स, ठीक है, डी फोर डिवाइड एफ फोर मल्टीप्लाई ए फोर एडिशन एस फोर सब्ट्रैक्शन, तो ये जो ऑफ होता है इसका मतलब भी मल्टीप्लीकेशन होता है। यहां से मैं ये आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और कहीं भी आप अगर कोई भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देखेंगे जहां पे अलग अलग चीजें यूज हो रहे हैं, अलग अलग सिंबल्स यूज हो रहे हैं, पहले ब्रैकेट दिख रहा होगा, ऑफ दिख रहा होगा या डिवाइड, ये सब आपको दिख रहे हैं, तो सबसे पहले क्या हल करोगे, ब्रैकेट हल करोगे, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर की चीजें हल करोगे, उसके बाद जहां पे ऑफ दिख गया ब्रैकेट के बाद आएगा, ये ऑर्डर वाइज होता है, सबसे पहले इसको सॉल्व करोगे, फिर ऑफ वाली चीजों को सॉल्व करोगे, फिर डिवाइड वाली चीजों को, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन एंड फिर सब्ट्रैक्शन, ये इस ऑर्डर में आप चीजें हल करेंगे, समझ गए, हमेशा ये बोर्ड मास वाला रूल यहाँ पे लगता है। तो चलिए मैंने अभी इस फिलहाल इसलिए बताया क्योंकि ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 5% किसी का 5%, अब पिछला क्वेश्चन देखिए, याद कीजिए हमने क्या किया था, फाइंड 15% ऑफ 250, यानी 250 का 15%, मतलब क्या करा था, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा दिया और 15% का लिख दिया 15/100, ऐसे ही किया था ना। इसी तरह से 20% ऑफ 2500, तो 20/100 इंटू 2500, तो यहाँ पे भी सेम चीज सेम तरीके से सॉल्व करेंगे, यही तो है, एक्स का 5% यानी 5/100 इंटू एक्स बराबर है 600। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए चीजें काफी आसान होती हैं, मैं आपको ये समझा देता हूं, जैसे एक्स की वैल्यू है, ये इक्वल टू का साइन है ना, इक्वेशन बन रही है ये आपकी, इक्वल टू का साइन जहां पे भी आ जाए वो बनती है इक्वेशन, ठीक है। अब यहां पे मान लीजिए x है, x के साथ 2 प्लस में है, 2 ऐड कर रहे हैं हम, और इधर है 6, हमें x का मान निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं बच्चों, 2 को हमें दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा और यहां पे सिर्फ x होना चाहिए, ठीक है। तो 2 की हम साइड बदल सकते हैं, लेकिन एक शर्त पे कि 2 जब दूसरी तरफ जाएगा, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा, तो इसका साइन बदल जाएगा, अगर ये प्लस का है 2 तो माइनस का हो जाएगा, अगर यहाँ पे 2 माइनस का होता, मान लीजिए ये नहीं है, ये -2 है, तो दूसरी तरफ जाके ये +2 हो जाता, ठीक है। इस तरह से हम साइड बदल सकते हैं। दूसरी चीज जैसे 5/100 है, ठीक है, यही क्वेश्चन सॉल्व करते करते बता देता हूँ, ये 5/100 है ना, एक्स के साथ
पांच क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है और 100 डिवाइड हो रहा है, मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये बताइए मुझे। पांच तो एक्स के साथ गुना हो रहा है, 100 भाग हो रहा है ना, ये किसके बराबर है, 600 के। तो इनको भी बराबर इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जा सकते हैं, लेकिन यहां पे क्या कंडीशन है, जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगी, मतलब वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी, और यहां पे जो डिनोमिनेटर यानी हर है वो इधर जाके अंश हो जाएगा। समझ रहे हैं, या दूसरे तरीके से ऐसे समझिए, जैसे 5/100 है इंटू एक्स इज इक्वल टू 600 है, तो ये दूसरी तरफ जाके इसका रेसिप्रोकल होगा, 5/100 का रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 100/5। तो हम इसको करेंगे 600 × 100/5, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करेंगे, उधर लेके जाएंगे। तो ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, जो चीज आपको सूटेबल लगे, समझ में आए, उस तरह से सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कैंसल आउट करना है बच्चों, कैंसल आउट कर दीजिए, 5 × 2 = 10, ये 20 आ गया, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 × 2 कितना हो गया, 12। 3 0 है, दैट इज 12,000, 12,000, ये आपका आंसर हो गया, नोट डाउन कर लीजिए इसको। इसी तरह से सभी पार्ट सॉल्व होंगे इसके। तो ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है नोट डाउन, लगभग सारे पार्ट्स इसके ऐसे ही होंगे। चलिए बाकी के पार्ट्स भी सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ पे सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या है, 12% ऑफ एक्स इज कितना है, 1000 80, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 12/100 × x बराबर है 1080। राइट साइड लेके जाइए, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1080 × 100/12, ये आ जाएगा। तो अब क्या करना है, कैंसल आउट करना है, 1080 को 12 से, 12 का अगर टेबल पहाड़ा आता है आपको तो सीधा सीधा आप इसको कैंसल आउट कर सकते हैं, 12 × 9 कितना होता है, 108, 0 का 0 यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर किसी को कैंसल आउट नहीं करना आता है, 1080 है 12 से, तब आपको समय बहुत लगेगा, क्यों, क्योंकि सबसे पहले 2 से चेक करेंगे, 2 से ये कैंसल आउट हो रहा है, ये 6 आ जाएगा, 2 से इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 540, ठीक है, फिर से 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 2 × 4, 2 × 7 = 14, 0 का 0, ठीक है, फिर से डिवाइड कर देंगे इसको, कितना आ जाएगा, 3 से, 3 × 9 = 27, तो ये 90। यहाँ पे डायरेक्ट अगर 12 का पहाड़ा आया है तो 12 × 9 108 होता है, 0 एज इट इज, तो 90 यहाँ भी आ रहे हैं हमारा, कितना आ गया ये, 9000 रुपए। तो 9000 रुपए का 12% होता है 1080 रुपए, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। चलिए अगला पार्ट, एक और पार्ट कर लें, पार्ट सी, 40% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 500 किलोमीटर, तो 500 किलोमीटर दिया है किसके बराबर, मतलब 40% x का कितना होना चाहिए, 500 किलोमीटर। सॉल्व करेंगे, 40/100 × x बराबर है 500, ठीक है,
अब राइट साइड लेके जाइए, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, कितना आ जाएगा 500 इंटू 100 बटे 40। ठीक है, जीरो से जीरो काट देंगे, ये जीरो से जीरो कट गया, चार से आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, है ना। और 25 इंटू 5 कितना होता है 125, जीरो एज इट इज, तो 1250 किलोमीटर इसकी होल क्वांटिटी, पूरी क्वांटिटी होगी, संपूर्ण राशि होगी। नोट डाउन कर लेंगे इन दोनों को। तो बच्चों समझ में आई ये चीज, किसी को कुछ डाउट हो अभी पूछ लीजिए, क्योंकि बाकी के जो पार्ट्स हैं, देखिए हमने कितने कर लिए, पार्ट सी तक कर लिया ना, कौन सा बचा पार्ट डी और पार्ट ई, ये दोनों पार्ट आपको करने हैं होमवर्क में, इसीलिए ये अच्छे से समझना जरूरी है। सारे पार्ट्स हम यहाँ पे नहीं सॉल्व करवाएंगे, आपको भी तो करने हैं। तो ये दो पार्ट हैं, ये होमवर्क के लिए आप रखेंगे और होमवर्क में इनको जरूर कंप्लीट करके लाएंगे। हम यहाँ पे अगला सवाल करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मजेदार क्वेश्चन होने वाला है, ये ध्यानपूर्वक समझेंगे आप। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, दिए गए प्रतिशतों को साधारण व दशमलव भिन्नों में बदलो और अपने उत्तर को सरलतम रूप में लिखो। ठीक है, कन्वर्ट गिवन परसेंट टू डेसिमल फ्रैक्शन एंड आल्सो टू फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यहाँ पे कुछ आपको पार्ट्स दिए गए हैं, ये क्या है प्रतिशत फॉर्म है, और इन प्रतिशतों को आपको किसमें बदलना है, एक तो आपको डेसिमल में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलेंगे, फिर उसको सरलतम रूप में बदलेंगे और डेसिमल में भी लिखेंगे। ठीक है, ये तीनों चीजों में, तीनों फॉर्म्स में आप इसको लिखेंगे। चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करने के लिए हम एक टेबल बना लेंगे, यहाँ पे टेबल बना के चीजें आपके लिए थोड़ी ही आसान हो जाएंगी, अच्छे तरीके से आप इसको कर पाएंगे। तो ठीक है बच्चों, इनको हम सॉल्व करेंगे। तो हमने ये टेबल इसलिए बना लिया
क्योंकि आपके पास जो जो ये पार्ट है A, B, C और D, सारे पार्ट्स हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले परसेंटेज आपको दी गई है कितनी है, 25% फर्स्ट पार्ट में, दूसरे पार्ट में 150%, फिर 20% एंड दिस फाइनल इज 5%, 5%। ठीक है, अब देखिए ध्यानपूर्वक देखिए कि परसेंट है, हमें क्या किस में बदलना है इसको, फ्रैक्शंस में बदल लेंगे, बिल्कुल बदल लेंगे, सरलतम रूप में यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में भी बदल लेंगे, बिल्कुल बदल लेंगे, और इसके बाद डेसिमल में भी, हमें दशमलव में भी इसको लिखना है वो भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। चलिए इसको करके देखते हैं हम। देखिए 25% है, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो प्रतिशत की बजाय मैं नीचे 100 लगा सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे। अब 25/100 है, दशमलव रूप में कैसे लिखेंगे, डिनोमिनेटर में कितने जीरो हैं, दो जीरो हैं, तो जो ये 25 है ना, इसमें राइट साइड से दो अंक छोड़ के एक दशमलव लगा लीजिए। आसानी से कन्वर्ट कर दिया हमने, सिंपलेस्ट फॉर्म में देखिए कैसे लिखेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में 25 का पहाड़ा आता है, यहाँ पे देखिए 25/100 है, तो या तो 5 से कैंसल आउट करिए, ये 20 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे ये 4 आ जाएगा, तो कितना आ गया 1/4, है ना। इस तरह से सरलतम रूप में भी लिख देंगे, सारे क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे, 150/100 आ जाएगा, है ना, 150/100 को दशमलव में बदलेंगे तो 1.50, सरलतम रूप में लिखिए इसको, 150/100 है, शून्य से शून्य कट गया, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, कितना आ गया 3/2। सरलतम रूप में सिंपलेस्ट फॉर्म में जब लिखेंगे, कैंसल आउट करेंगे और डेसिमल में लिखेंगे तो डिनोमिनेटर में हम नंबर ऑफ जीरो चेक करेंगे और उस हिसाब से दशमलव राइट हैंड से उतनी ही डिजिट छोड़ के लगाएंगे। ये आपको अच्छे से आता है बच्चों, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फिर भी कुछ है कंफ्यूजन तो आप पूछ सकते हैं। ये 20/100 आ जाएगा यानी 0.2, है ना, और सरलतम रूप में लिखेंगे कितना आ जाएगा 1/5, कैंसिल आउट करके इसको ये आ जाएगा 5/100, 5/100, ठीक है, 5/100 यानी इसको कैंसल आउट करेंगे तो 1/20 और डेसिमल में लिखेंगे तो 0.05, ठीक है, ये आपके यहाँ पे आंसर्स हो गए, नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखिए जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर लिए हैं, आपको तरीका पता लग गया कैसे हल करना है, कुछ होमवर्क भी आपको मिला है जो आपको कंप्लीट करना है। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहाँ पे एंड कर देंगे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।